प्लास्टिक हर किसी के ब्लड में बहुत ही सूक्ष्म कणों के रूप में घूम रहा है, दौड़ रहा है। आप कितना भी कहें कि मैं बहुत प्योर खाता हूँ, मैं बहुत हेल्दी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जो इसको परीक्षण कर सकती है, टेस्ट करके बता सकती है, अगर आप जांच करवाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके और हमारे सबके ब्लड में प्लास्टिक के कण घूम रहे हैं बहुत अधिक, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? और प्लास्टिक क्या बहुत बुरा है अगर वो हमारे ब्लड में है, बॉडी में है? तो दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया कि प्लास्टिक का जन्म हुआ पेट्रोलियम से, तेलों से, क्योंकि ये गलता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें सामर्थ्य है, काफ़ी देर तक चीज़ों को स्टोर करता है। तो बहुत लोगों में खुशी हुई, इसको एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट समझा गया उस वक्त के लिए। लेकिन धीरे 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 इसके हम इतने आदि हो गए कि आज हम प्लास्टिक का एक जो ब्रश या जो कोई भी हम घर में उपयोग करते हैं, कोई ऐसी वस्तु, डिब्बी, कोई साबुन तेल के लिए शीशी, तो उसको उपयोग करके हम जब डिस्कार्ड कर देते हैं, यदि वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाए तो उससे कोई और उपयोग की चीज़ बन जाती है, जो कि बहुत ही कम चांस हैं, 100 में से 7%, 5%। जो 95% हमारा और आपका प्लास्टिक है वो सारा का सारा डंप होगा और कूड़ा कचरा बन करके हमारे ही वातावरण को वार्म करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, जो कि आपने सुना होगा आज 122 वर्ष के बाद कह रहे हैं कि इतना तापमान देखा गया कि अप्रैल महीने से ही गर्मी होने लगी, लोगों के अंदर इतनी वो जो वातावरण में जो तपिश है उसको वो फील कर रहे हैं। मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ सिपाही, देश के जो हमारे सैनिक हैं, वो किसी गर्म रेगिस्तान में ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने उसी रेत में पापड़ जो होते हैं उसको ऐसे दबा दिया, 1-2 मिनट 5 मिनट जो भी उनका एक प्रोसीजर था। तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि इस महीने में भी, अप्रैल मई के महीने में भी, उन्होंने 10 मिनट के बाद जब वो रेत से निकाला तो पापड़ भुन चुके थे और तैयार थे खाने के लिए। देखिए, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमारे और आप लोगों के लिए सांस लेना, ऑक्सीजन लेना कठिन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी वायु है कि जो कम तापमान में ही धरती पे नीचे नीचे रहती है। जितना वातावरण गर्म होता जाएगा ये हवा ऊपर उठती है, तो हम लोगों के लिए, नीचे जीव जंतुओं के लिए सांस लेना कठिन हो जाएगा। आप अस्थमा के पेशेंट्स को पूछ के देखिए कि उनको सांस लेने में कितनी दिक्कत है, वो खींच खींच कर लेते हैं, बार बार मैं देखता हूँ इनहेलर यूज़ करते हैं। तो इन सब के लिए हम सब और आपको मिल करके पहले तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना पड़ेगा। और रही बात कि मैं कह रहा था ब्लड में घूम रहा है, क्या करेगा, बहुत पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं और मैं महसूस कर रहा हूँ काफ़ी समय से कि कुछ बीमारियों के साइन सिम्टम्स हमारे ग्रंथों से मैच नहीं कर रहे। अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उसके पीछे का एक वैलिड रीज़न नहीं पता चल रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ये जो प्लास्टिक कितना घूम रहा है ब्लड में, ये भी एक कारण हो सकता है। इस पर रिसर्च का विषय है, लेकिन होगा ही, क्योंकि ये एक तरह से इम्प्योरिटी है, एक तरह से ये विजातीय द्रव्य है, टॉक्सिन है, जो हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि हम मैं इसे अपने अंदर रखूं। और कितना भी बॉडी डिटॉक्स करने की कोशिश करे, इसे इतना डिटॉक्स नहीं कर पाएगी जितनी मात्रा में हम पानी की बोतल, हमारे घर का, अब मैंने देख रहा कई महिलाएं तो अब सारे उसमें खाने की चीज़ें रखती हैं, कटोरी से लेके ग्लास से लेके हर चीज़ प्लास्टिक की, बड़ी खुश होती हैं कि अरे ये टूटता नहीं है, बच्चों के लिए सेफ है, बच्चों को खिलौने दिए जा रहे हैं, वो मुंह में चबा रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूँ, आप मिट्टी के खिलौने उनको दीजिए, आप उनको कोई पीतल के, तांबे के, कुछ इस तरह के लकड़ी के खिलौने दीजिए, कुछ रुई से बने हुए, कपड़ों से बने हुए गुड्डा गुड़िया, कुछ इस तरह की हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें दीजिए। और प्लास्टिक का जितना उपयोग कम किया जाए, चाहे फिर वो बेशक आप कहें कि ये रीयूज़ हो जाता है, हम तो इसको संभाल के यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी डाइट में जब आना शुरू हो जाता है, उसी में दही आ रही है, दूध आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं बॉडी में इकट्ठा होता है। मेरे पास एक मित्र आए, उन्होंने कहा कि हमने अपने बाल चेक करवाए बाहर के कंट्री में किसी में भेज करके, क्योंकि वहाँ की जो आजकल की पैथोलॉजिकल लैब्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा एडवांस है। तो उन्होंने अपने बाल चेक करवाए, चूँकि उनके परिवार में सबके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे थे, तो बालों को चेक कराने से पता चला कि इसमें एल्यूमिनियम की ज़्यादा मात्रा है, यानी कि उनके शरीर में एल्यूमिनियम ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। ये दो चीज़ें देखिए, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कैसे ना चाहते हुए भी हमारे अंदर डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि हमारे उपयोग में ज़्यादा आ गया है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन उन्होंने तुरंत फिर रिप्लेस किए, और मेरी वीडियोस देखी, उसमें फिर मैंने बताया था कि तांबे के, पीतल के, चीनी मिट्टी के, या फिर सादी मिट्टी जो एक होती है चिकनी मिट्टी के, उसके बर्तन उपयोग करें। तो उन्होंने वही सब आजमाने शुरू किए, और देर सवेर कह सकते हैं कि कुछ सालों के बाद धीरे 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 जैसे स्लो पॉइजन की तरह बॉडी में वो गए थे, उसी तरह स्लोली वो निकलेंगे। तो आप भी इस जानकारी को अगर सुन रहे हैं तो आप कितने सहमत हैं और आप कितने इसके प्रति संवेदनशील हैं, इस पर ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जानवरों के भी पैर में, गले में कई बार हमारी प्लास्टिक की पन्नियाँ फंस जाती हैं और वो छुड़ा नहीं पाते उनको। गायों को खास मैं देखता हूँ वृंदावन में या अन्य स्थानों पे जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ गायों को मैं देखता हूँ सड़कों पर घूमती हैं, खाने की कोई चीज़ लिपटी होती है, उनको थोड़ा भूख लगी हुई होती है, जीव है, पता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, थोड़ा जुबान ही है बस जिससे थोड़ा दिमाग है कि मैं चख रही हूँ तो बता रहा हूँ, देखते हैं, महसूस करते हैं तो खा लेते हैं, और फिर खा करके पेट में उनके पॉलीथीन पड़ा रहता है। आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, एक पॉलीथीन की जो लिफाफा है 1000 साल तक भी ऐसे ही रहता है, कुछ नदी नालों से मिल करके समुद्र में इकट्ठा हुआ पड़ा है, और कुछ जो है वो हम लोगों ने डंपिंग ग्राउंड्स में डंप कर दिया, उससे बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं, मीथेन हो गई या अन्य गैसेस निकल रही हैं, जो इस तरह से हमारे ही सांस में अंदर जा रही हैं, हमारे ही श्वसन के द्वारा सबके अंदर वापस जा रही हैं। इसलिए हम खुश ना हो कि भाई मैंने घर से सारा पॉलीथीन हटा के कचरा सारा बाहर फेंक दिया, अब मेरे घर में कोई पॉलीथीन नहीं है, मैं तो साथ साथ आता है पॉलीथीन, साथ साथ बाहर फेंक देता हूँ। आप बाहर फेंकते हैं, बाहर भी आपका ही है। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा जिन लोगों ने भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, इको फ्रेंडली चीज़ों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, उनको बहुत साधुवाद है। जो लोग आजकल अनाज से या अन्य तरह के कुछ गम्स से नेचुरल जो जल्दी डीकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट से जो लिफाफे बना रहे हैं जिनके ऊपर लिखा भी होता है खास कि आई एम नॉट अ पॉलीथिन बैग, उनका उपयोग वो जो करना शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी पहल है। आप सब भी उस पहल से जुड़िए, और मैं प्रार्थना करूं जो लोग ऐसी चीज़ें बनाते भी हैं वो भी हमारी अपनी वेबसाइट जो हमने लोगों के लिए ही और लोगों के द्वारा चलाई जाने वाला एक जो एक कृत करके खाने की जो एक और पवित्रता से जीवन जीने की जो एक हमने मर्यादा चलने का जो एक निर्णय लिया, सबको उस पर चला रहे हैं, sanskritibazaar.com नाम की वेबसाइट, उस चल रही वेबसाइट पर आप भी जुड़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स यदि बनाते हैं तो डाल सकते हैं, आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जोड़ करके आप तक पहुंचाएं, ताकि आपके घरों तक ऐसी चीज़ें पहुंचें। जहां तक नहीं संभव होता, जैसे कुछ दवाइयां या कुछ अन्य चीज़ें जो बहुत कीमती हैं, हम ऑनलाइन उनको भेजते हैं, शिपिंग करते हैं, हमें पता है रास्ते में कई बार टूट रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादातर मैंने कांच का उपयोग किया, कईयों में प्लास्टिक का उपयोग करा, लेकिन आपसे प्रार्थना कि जैसे ही आपको वो घर में चीज़ मिले, आप उसे अगर दूर देर तक उसको संभाल के रखना चाहते हैं तो कांच की बोतल में शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि कांच भी डीकम्पोजिबल नहीं है जल्दी, लेकिन ये आपकी चीज़ द्रव्य के साथ मिल करके आपके बॉडी में नहीं जाता, ये इस कारण से भी बहुत मुझे जचता है, जमता है वैसे। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक पर? एक मुद्दा ऐसा मैंने उठाया आज संवाद कार्यक्रम में, चर्चा कर रहा हूँ मैं आप सबसे, और पहले भी कई बार मैं संवाद कार्यक्रम लेकर के आ चुका हूँ जिसमें मैं सामाजिक, राष्ट्रीय या फिर आध्यात्मिक बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर मैं बात करता आया हूँ और आपको अपना पक्ष रखता आया हूँ, आपसे भी प्रतिक्रिया मांगता रहा हूँ, आपने उसको भी सुना और आज इसको भी सुन रहे हैं। कृपया अपनी राय नीचे ज़रूर दें, और आप
क्या ऐसा कोई आपके पास कोई ऐसी विधा है, कोई ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को बता सकें कि हाँ ये एक चीज़ काम करेगी, लोगों को इससे हम दूर हटाने में सफल हो पाएंगे? ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर थोड़े हम कम महत्वाकांक्षी हो जाएं, हम थोड़े कम स्वार्थी हो जाएं प्रॉफिट और इन चीज़ों से, थोड़ा सा हम अगर एक कदम पीछे हटा करके एक बार हम अपनी धरती के लिए सोचें, एक बार हम अपने प्रकृति के लिए सोचें, जीव जंतुओं के लिए सोचें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है या बड़ी चीज़ है जिसको हम कर नहीं सकते। कुछ महीने पहले मैंने सुना भी था, आपने भी सुना होगा, सरकार ने निर्णय ले लिया कि पॉलीथीन पूरे इंडिया में बैन। फिर अचानक देखा कि इतने ज़्यादा रोज़गार इससे मिले हुए हैं लोगों को, इतने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, वो मर जाएंगे भूखे, तो इतनी जल्दी नौकरियां दूसरी नहीं हैं। बहुत सोच समझ के फिर उन्होंने इस निर्णय को वापस रिवर्ट किया, जो कि मैं समझता हूँ, क्या ही मैं कहूँ कि अच्छा था बुरा था, दोनों तरफ ही बुराइयाँ थी, दोनों तरफ ही अच्छाइयाँ थी, लेकिन आपको और हमको मिल करके अब सूझबूझ दिखानी चाहिए और हमें सबको मिल करके इसका उपयोग कम से कम करना है। और धीरे धीरे मैं प्रार्थना करूँ जिनका एम्प्लॉयमेंट, जिनका जीवन रोटी इस पॉलीथीन प्लास्टिक से जुड़ी हुई है, वो कंपनियाँ भी इस पर अगर मेरी वीडियो सुन रही हैं तो विचार करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इको फ्रेंडली चीज़ें बनाएं, वो भी सामने कस्टमर के रखें कि ये देखिए ये है, ये थोड़ा इको फ्रेंडली है, इससे नुकसान कम होगा, जीव जंतु कम मरेंगे, ऐसे है तो बताइए। धीरे धीरे फिर उसका बढ़ा करके, धीरे धीरे उसको घटा करके आप अपने बिजनेस को भी धीरे धीरे शिफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसके लिए रोटी का भी इंतजाम वही करता है, बस आपको एक निर्णय लेना है स्ट्रॉन्ग। सरकारें आएंगी जाएंगी, वो निर्णय लेंगी नहीं लेंगी, लेकिन आप और अगर हम मिल करके निर्णय कर लें कि हाँ हमें प्लास्टिक और एल्युमिनियम और ऐसी नुकसानदायक जो धातुएं हैं या कुछ मटेरियल्स हैं जो इको फ्रेंडली नहीं हैं या जो हमारे मनुष्य शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, जो प्रकृति और जीवों के लिए बुरे हैं, उनको हम परहेज करें। और आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताना। फिर मिलूंगा जल्दी एक नए कार्यक्रम नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पर। मेरी वेबसाइट भी है www.nityanandamshree.com, जहाँ पर आप बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारे कोर्स और बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कारम।